काल में कैंसर पर नई रिपोर्ट। तेजी से बढ़ रहा कैंसर, अगले 5 सालों में और बढ़ेंगे मामले। 2025 तक 15 लाख के पार होगा आंकड़ा। अभी तक कोरोना का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा लोगों के लिए, लेकिन अब एक नई मुसीबत पहले ही सामने आ गई है। दरअसल कोरोना काल में कैंसर पर एक रिसर्च हुई और इस रिसर्च में जो सामने निकल कर आया उससे ना सिर्फ आप दंग रह जाएंगे बल्कि मन में एक डर भी पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि कैंसर पर हुई नई रिसर्च में कहा गया है कि देश में आने वाले समय में कैंसर के मामलों में इजाफा हो सकता है। अगले 5 सालों में बढ़ेंगे कैंसर के मामले। कोरोना वायरस के कहर के बीच अब कैंसर भी लोगों की जिंदगियां छीनने को तैयार है, क्योंकि भारत में अगले 5 सालों में कैंसर के केस 12% तक बढ़ जाएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र ने कहा है कि इस साल भारत में कैंसर के मामले 13.9 लाख रहने का अनुमान है, जो 2025 तक 15.7 लाख तक पहुंच सकते हैं। ICMR ने कहा है कि राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020 में दिया गया ये अनुमान 28 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री से मिली सूचना पर आधारित है। इसमें कहा है कि इसके अलावा 58 अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्री ने भी आंकड़ा दिया। तंबाकू बनेगा कारण। कैंसर पर तैयार हुई रिपोर्ट की माने तो देश भर में सबसे ज्यादा मामले यानी के करीब 27% तंबाकू से जुड़े हैं। उसके बाद गैस्ट्रो इंस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड 19.7%, वहीं बात नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की करें तो वहां तंबाकू रिलेटेड मामले सबसे ज्यादा हैं। अरुणाचल प्रदेश में 74 साल की उम्र के हर 4 में से एक व्यक्ति को कैंसर है या होने का आसार है। रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू से होने वाले कैंसर के मामले 3.7 लाख रहने का अनुमान है, जो 2020 के कैंसर के कुल मामले का 27.1% होगा। इसमें ये भी कहा गया है कि पूर्वोत्तर इलाके में इस कैंसर का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन तंबाकू कैंसर से 3500 लोगों की मौत होती है। 2018 में इस कैंसर से करीब 3 लाख लोगों की जान गई। धूम्रपान से पुरुषों में 5 में से 1 मौत और महिलाओं में 20 में से 1 मौत हुई है, जो कि 2010 में अनुमानित 9,30,000 लोगों की मौत होने का अनुमान है। महिलाओं में कैंसर। कैंसर के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं में छाती के कैंसर के मामले 2 लाख यानी कि 14.8%, गर्भाशय में कैंसर के 0.75 लाख यानी 5.4%, महिलाओं और पुरुषों में आंत के कैंसर के 2.7 लाख मामले यानी 19.7% रहने का अनुमान है। बता दें कि एक ओर जहां पुरुषों में फेफड़े मुंह पेट और अन्न प्रणाली के कैंसर सबसे आम होते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए स्तन और गर्भाशय के कैंसर सबसे आम है। वहीं इंडिया अगेंस्ट कैंसर के डाटा के मुताबिक 2018 में कैंसर से 7.4 लाख लोगों की जान गई और इसमें 4.1 लाख पुरुष और 3.7 लाख महिलाएं शामिल हैं। 75 साल से कम उम्र में कैंसर से मरने वालों में 7% पुरुष और 6% महिलाएं शामिल हैं। डाटा के मुताबिक हर 8 मिनट में भारत में सर्वाइकल कैंसर से एक महिला की मौत होती है, जबकि ब्रेस्ट कैंसर वाली हर 2 महिला में से एक की मौत होती है। cancerindia.org की रिपोर्ट बताती है कि कैंसर से मरने वाले पुरुषों में 25% की मौत ओरल कैविटी और लंग कैंसर से होती है, जबकि महिलाओं में 25% मौत ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैविटी से होती है। वहीं पुरुषों में कैंसर के नए मामले 2020 में 6,79,421 और 2025 में 7,63,575 होने का अनुमान है। महिलाओं में ये 2020 में 7,12,758 और 2025 में 8,06,218 होने का अनुमान है। कैंसर से बचने के उपाय।
अब जब कैंसर का खतरा भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो आपको बता दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए अपने खाने में हरे पत्तेदार सब्जियां, चना और फल को शामिल करें, क्योंकि सब्जियों और फलों में फाइबर मौजूद होते हैं जो रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। वहीं शक्कर का सेवन कम से कम करें और खाने के तेल में ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भोजन पकाने में करें। कैंसर के लक्षण हो तो कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल कम हो। गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल लंबे समय तक ना करें, इससे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर या लिवर कैंसर होने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।